आज हम आपको केक डेकोरेशन करना सिखाने जा रहे हैं। उसके लिए हम ब्रेड नाइफ से स्पॉन्ज को पहले ऐसे काटेंगे धीरे धीरे। ध्यान रखें सारी सतह सीमित हो। हम केक को पलटा कर इस सतह को भी काट लेंगे और केक के साइड से भी इस सतह को निकाल लेंगे। केक के ऊपर से इतनी मोटी लेयर काटेंगे, इसे उठा के हम साइड में रख देंगे। इसमें से हम एक और लेयर निकालेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए एक बॉल में शुगर और थोड़ा पानी मिलाएंगे और उसको चम्मच की सहायता से मिक्स करना शुरू करेंगे। हमें जब तक मिक्स करना है तब तक की पूरी शक्कर पिघल ना जाए। हमारा शुगर सिरप तैयार है। अब इसमें हम कुछ बूंदे वनीला एसेंस डालेंगे। अब हमने केक की लेयर्स काट लिए। अब हम सिखाएंगे केक पे आइसिंग कैसे करते हैं। पहले हमने जो शुगर सिरप बनाया है वो केक के एक लेयर पे डालेंगे ताकि केक फ्लफी रहे और सॉफ्ट रहे। अब हम पाइपिंग बैग में विप क्रीम डालेंगे। अब हम लेयर पे विप क्रीम को स्प्रेड करेंगे। अब हम दूसरी लेयर लेंगे और इस पर रख देंगे। अब हम वापस शुगर सिरप इस पर डालेंगे। ये लेयर तैयार होने के बाद हम कुछ टूटी फ्रूटीज भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लास्ट लेयर लिखेंगे, फिर से शुगर सिरप डालेंगे। अब हम इस पे आइसिंग करेंगे। अब हम थोड़ा गर्म पानी लेंगे ताकि उस पर फिनिशिंग आए। अब हम साइड में भी आइसिंग करेंगे। अब हम वापस पैलेट नाइफ को गर्म पानी में डालेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आएगी। अब हम केक को बोर्ड पर शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हम नीचे थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे। अब हमने केक पे आइसिंग कर लिए। अब इसको हमने बोर्ड पे भी शिफ्ट कर दिया। अब इसकी हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लेंगे कोकोनट। ये डेसिकेटेड कोकोनट है जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में। उसके अंदर थोड़ा ग्रीन कलर डालेंगे, थोड़ा और डालेंगे। अब हम ये डेसिकेटेड कोकोनट को पूरे केक के आइसिंग के ऊपर लगा देंगे। अब हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। अब हम दूसरी डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड है कोन विच इज ईजीली अवेलेबल मार्केट और थोड़ी विप क्रीम लेंगे और इसके अंदर ग्रीन कलर मिला देंगे। अब हम दूसरी डेकोरेशन करेंगे जिससे हम बनाएंगे क्रिसमस ट्री। उसके लिए हमें चाहिए ग्रीन कलर की विप क्रीम और कोन। इस पर डेकोरेशन करना स्टार्ट करते हैं।
और लगा देंगे। अब हम इसके आगे का डेकोरेशन फॉन्डेंट से करेंगे जो मार्शमेलो और आइसिंग शुगर को मिला के बनता है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके लिए हम वाइट फॉन्डेंट लेंगे थोड़ा और थोड़े फॉन्डेंट में रेड कलर मिक्स करेंगे। अब हम वाइट फॉन्डेंट के गोले बनाएंगे। उसके लिए हम आइसिंग शुगर को हाथ में लेंगे, इस तरह से गोले बनाएंगे। अब हम इसका एक और छोटा गोला बनाएंगे और साथ ही साथ फॉन्डेंट में रेड कलर मिक्स करेंगे। अब हम इस कलरफुल फॉन्डेंट से एक कैप बनाएंगे और इस पर फिट करेंगे। छोटे छोटे गिफ्ट्स भी बनाएंगे। अब हम अपने स्नोमैन के आइस के लिए चॉकलेट चिप्स का यूज़ करेंगे। स्नोमैन को केक पर प्लेस करेंगे। हमने फॉन्डेंट से गिफ्ट और स्नोमैन बना के इस तरह से लगा दिए हैं। आप अपने हिसाब से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। और डेकोरेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक चेरी लगाएंगे और कुछ टूटी फूटी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक पाइपिंग बैग में वाइट व्हिप क्रीम लेंगे। आप चाहें तो इसमें एक नोज़ल लगा सकते जैसे कि हमने लगाई है। इस तरह से केक का डेकोरेशन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम केक की आउटलाइन बना लेंगे। अब हम चॉकलेट का पाइपिंग बैग बना के उस पर मैरी क्रिसमस लिखेंगे। अब आप लास्ट में किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट चिप्स। इसी तरह हमने इस केक की भी आइसिंग कर ली है। ये केक बहुत सिंपल है और हम घर में कभी भी बना सकते हैं। इसके लिए हम चॉकलेट स्टिक्स लेंगे और उन्हें इस तरह लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हमने स्टिक्स से इस केक को कवर कर लिया है और इसे हम जोड़े रखने के लिए यहाँ पर पाइपिंग बैग से क्रीम डाल रहे हैं और इसके सर्कल में एक गार जैसा बनाएंगे। इसे हम चेरी से करेंगे और साइड में जैम्स भी लगाते जाएंगे। स्प्रिंकल करना स्टार्ट करेंगे और ये नोगा आप घर पे इजीली बना सकते हैं। पहले आपको 50 ग्राम शुगर को मेल्ट कर लेना है, फिर उसके अंदर आपको काजू डाल देना है।